में पूजन होता है वो डायरी आज सभी मेंबर्स को उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया। तो आइए देखते हैं वो प्रोग्राम और बहुत सारे फोटोग्राफी फील्ड के दिग्गज भी यहाँ पर आए थे जिन्होंने ये डायरी का ओपनिंग किया और ओपनिंग के साथ में यहाँ पर सभी को डिस्ट्रीब्यूट भी किया और बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पर रखे थे जिसमें सभी फोटोग्राफर्स एमपीए के जो हैं उनको अपने आप को अपडेट करने का मौका मिला। बहुत सारे ऑफर्स भी इसमें थे और स्पेशली एमपीए की जो डायरी है उसमें बहुत सारे डिस्काउंट कूपन्स भी यहाँ पर अवेलेबल थे। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम की झलकियाँ। Put your hands together, जोरदार। या अचल जी, या प्लीज सर आगे आइए। अतुल भाई आगे आइए। सर प्लीज कम फॉरवर्ड। कमेटी आगे आइए। सब कमेटी मेंबर्स जरा आगे आ जाइए नीचे। या दिनेश भाई या लुक एट द कैमरा, एवरीबडी लुक एट द कैमरा प्लीज। स्टेडी आई शॉट। सो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट एमपीए फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। इट इज नॉट ओनली अ डायरी, एस आई एम टेलिंग यू, दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ एंटायर मेंबर्स। जितनी है ना ये एमपीए में आप लोगों की जो एकता है, क्योंकि मैं काफी साल से फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 37 इयर्स आई एम हियर एंड मैंने जो एकता एमपीए में देखी है, एक आदमी ने फोन किया एवरीवन इज देयर। इट इज डजंट नीड टू बी इनवाइट इंडिविजुअली एंड आई मस्ट रियली एवरीवन यू नो आई मस्ट अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ थिंग कि आप लोगों में जो एक फोटोग्राफी फ्रेटर्निटी के लिए रिस्पेक्ट है वो एक बहुत अच्छा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को मैं यहां से एमपीए के मंच से वेलकम करता हूं और साथ में एक बधाई भी देता हूं आप सभी को और आपको एमपी के साथ इतने सालों से जुड़े हुए रहने के लिए मैं आपको सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि एमपीए एस्टैब्लिश हुआ 1997, तो 25 साल पूरे हुए हैं अपने एमपीए के। तो हम लोग ये साल हम लोग पूरा 25 साल का सेलिब्रेशन करने जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैं बहुत सारे फंक्शंस में जाता हूँ लेकिन मुंबई में मुंबई फोटोग्राफर एसोसिएशन से ज्यादा ताकत किसी और एसोसिएशन में नहीं है। वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू टू ऑल योर फैमिली मेंबर्स। और हम ये चाहते हैं कि इस नए साल की शुरुआत आपको हम इस तरह का टेक्नोलॉजी दे जहां पे आप प्राउडली फील करो, क्योंकि दुनिया स्मार्ट हो गई है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी पे चलते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे फोटो आर्टिस्ट भी स्मार्ट तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। राइट सर, एक रिक्वेस्ट और करूंगा। मैंने अतुल भाई को बहुत साल पहले भी बोला था और मेरी खुद की ख्वाहिश है, हम सभी को अभी भी एड्रेस करते हैं हम फोटोग्राफर्स हैं और अनफॉर्चुनेटली मोबाइल इंडस्ट्री ने ऐसा कर दिया कि हर किसी के जेब में कैमरा डाल दिया है। और मैं इंटरनेशनल भी घूमता हूं तो इंटरनेशनली फोटोग्राफर को जिस तरह से सोसाइटी में देखा जाता है और जिस तरह से इंडिया में देखा जाता है, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। कहीं ना कहीं हम सोसाइटी को ब्लेम ना करें, कहीं ना कहीं हम अपने गिरबान में देखें। हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि सोसाइटी हमें किस तरह से देखती है। उसके बहुत सारे फायदे हैं, हमें बिजनेस भी अच्छा मिलेगा, ग्रोथ भी मिलेगा, बहुत सारे। लेकिन दो चार चीजें चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि हर कोई अपने आप को फोटोग्राफर समझने लग गया अभी, क्योंकि कैमरा अंदर है। तो अगर मेरी बात सही लगे, मैं अतुल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज से हम अपने आप को फोटो आर्टिस्ट बोलना शुरू करें, एक लेवल अपने आप को तो अपग्रेड करें कम से कम। मैं बात करूंगा इंडिया की इकोनॉमी की। जैसे भाई साहब ने बताया कि हमें फोटोग्राफर का स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए, 100% बढ़ाना चाहिए, दिस इज द प्रायोरिटी है। उसके साथ साथ हमारे देश की हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी जो बढ़ रही है ना, वो हिसाब से हिंदुस्तान के लिए फोटोग्राफी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आने वाले दिनों में।
जो हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है वर्ल्ड में, कुछ 2028 में थर्ड पोजीशन वर्ल्ड में आने वाली है, तो आप ये बात जरूर दिमाग में रखिए कि हमारी पोजीशन आगे जाके बहुत स्ट्रॉन्ग आनी है, उसका विजन हमको अभी से जनरेट करना पड़ेगा हमारे दिमाग में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट एमपीए ऑल मेंबर्स फॉर कंप्लीटिंग 25 इयर्स। लेट मी कंफर्म दैट कैनन इंडिया हु स्टार्टेड इंडियन ऑपरेशन इन 1997, कैनन इंडिया ऑल्सो सेलिब्रेटिंग 25th ईयर दिस ईयर। So together definitely we would like to work, and I have seen MPA who is really very strong in all the association and always do many activities. So I will not sure that I am going to give 100 participant, but we would like to work together. मैं आपने बोला ना 25 साल हो गए तो सब फोटोग्राफर्स भाई का कुछ फायदा तो होना चाहिए कैनन की तरफ से, तो मैं ऐसे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 25 प्रोग्राम्स आपकी तरफ से होना चाहिए, 25 प्रोग्राम, हाँ 25 प्रोग्राम हुआ, 25 साल हुआ तो 25 प्रोग्राम इनको देना चाहिए, करेंगे। थैंक यू। ये प्रोग्राम करने का, आपको बुलाने का और स्पेशली इनको बुलाने का कारण ही वही है कि आज इतने अच्छे मौके के ऊपर हमारा प्रोग्राम जो हाउसफुल हो गया है। निखिल भाई ने एक अनाउंसमेंट अभी किया हुआ है आप सभी के लिए, जिसने भी जोर से हा बोला उसके लिए, किसने किसने हा बोला था जरा हाथ ऊपर करो, एक एक मेंबर बढ़ाने के लिए, अरे आपके बेनिफिट के लिए है, फिर बाद में मत बोलना मेरे को नहीं मिला बेनिफिट। उन्होंने बताया कि नेक्स्ट मेंबर जो भी बनेंगे 5,000 रुपीज मेंबरशिप है, तो आप 4,500 उनसे लो, 500 ये खुद देंगे उसमें, तो ये बहुत बड़ी बात हुई एमपीए के लिए। रियली थैंक यू निखिल भाई। खोलो की तरफ से ऑलवेज हम लोग एमपीए के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे, और इन्होंने जो पैंडेमिक में भी जो किया था, डेली सुबह एक मैसेज आ जाता था अगले दिन कि भाई कल ये है, चाहे फिर वो ब्लड डोनेशन के लिए हो, डॉक्टर्स का कोई असिस्टेंस हो, फोटो फ्रेटरिटी के लिए हो, लेंस के लिए हो, कैमरे के लिए हो, 60 से 75 डेज आई थिंक उन्होंने बिजी रखा था सभी को। तो हम लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी साल से, जैसे 25 साल इज़ ए वेरी बिग जर्नी। कल्पेश भाई ने जैसे बताया कि इनकी जो ताकत है वो शायद ही मुंबई में और किसी एसोसिएशन की है, प्रॉबेबली इंडिया में, तो हम लोग भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। और अचल जी ने भी जो डायरी बनाई, मैंने वीडियो देखा था कल ही आया था कि कैसे वो लोग मैनेज कर रहे थे, सो तभी ऐसा लग रहा था कि अगर ये वीडियो आज ही अगर बनाया गया है तो कल डायरी वाला फंक्शन होगा कि नहीं, बट इट इज़ एक्चुअली हैपनिंग एंड वी आर ऑल हियर, सो थैंक यू वेरी मच। और कोलो की तरफ से डिस्काउंट्स कूपन्स हमेशा रहते हैं, तो दिस टाइम देर आर 6 कूपन्स जो डायरी के साथ में आपको मिलेंगे, तो इसका भरपूर फायदा लीजिएगा। इस बार भी वापस में मेंबर लोग के लिए कुछ डिस्काउंट है, जो भी अगर कोई एडिटिंग सीखना है उसको 25% जो भी मेरा फीस है उसमें से, उसमें एक हर बार मेरे को एक सवाल आता है कि भाई मैं तो मेंबर हूँ लेकिन मेरे यहाँ स्टाफ सीखने आएगा या उसकी बेटी सीखने आएगी, सबको डिस्काउंट दूंगा लेकिन शर्त एक एक मेंबर बना दो, ठीक है। वी हैव विथ अस ऑन दिस लवली ऑस्पिशियस इवनिंग ऑन कंप्लीशन ऑफ 25 इयर्स ऑफ मुंबई फोटोग्राफर एसोसिएशन नन अदर देन प्रेसिडेंट ऑफ All India Photographers Trade and Industry Association, Mr. Jayesh Bhai Mehta, put your hands together. इसके साथ में जयेश भाई जो ट्रेजर है वो भी साथ में आए हैं, या ये दोनों जयेश भाई। So आप लोग का जो उत्साह देख रहा हूँ कि ये डायरी कितनी इम्पोर्टेंट है, यू नो, और मैं ये बिफोर आई टॉक अबाउट समथिंग अबाउट डायरी इटसेल्फ, मैं कहना चाहूँगा जो ये कमेटी 25 साल से काम कर रही है, ऑनररी सेवा दे रही है, और सभी मेंबर्स को ऐसी लार्ज स्केल में डायरी फोटोग्राफी की इंडस्ट्री में अखा इंडिया में कोई नहीं निकालता है,
मैं दो मिनट के लिए सर्वे कर रहा था कि ये इतना इम्पोर्टेंस है कि जिसी ने अगले कमेटी में पहले आपने काम किया होगा, अभी भाई साहब काम कर रहे हैं, सोनू सूद प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, कहाँ पे गए सब, सब मेरे पीछे सपोर्ट में बैठे हैं और जो इनके आई थिंक योर सेक्रेटरी अश्विन टाक राइट, सो दीज आर द टू वर्किंग हैंड्स फॉर योर इंडस्ट्री, आई मीन फॉर योर ग्रुप। मेरे ट्रस्टी की तो आप लाइन है जो अच्छा अच्छा काम कर लेते हैं, जितेंद्र भाई सेठ बहुत सालों से मैं जानता हूँ, पर उनका आज ये टाइम फ़ोन आ गया, मुझे उनका पूरा फोर्स इतना लगाया कि मेरे को आना ही पड़ा, और कैसे बोले दो घंटा लगेगा तीन घंटा बोले। बाकी रहे किरण भाई, बहुत जूने हमारे, अतुल भाई, ये सब बात करते रहते हैं। खाली डायरी के बारे में मैं जो सोच रहा था रास्ते में कि ये कितनी इंपॉर्टेंट डायरी है, 365 पेज तो होनी चाहिए डायरी, मतलब राइट, और उसके अंदर एड कंपोनेंट डालो तो फिर भी ये 400 तक पहुंच जाती होगी आगे पीछे रफली, दिवाली 400 पेज की डायरी। तो जितने भी इवन ऑल इंडिया हो या और कोई भी एसोसिएशन है, इतनी बड़ी डायरी इतने बड़े लार्ज स्केल में नहीं निकलता है, और ये कंटिन्यूस निकल रही है मैं समझ रहा हूँ फॉर 15 ईयर्स, और मैं ये समझता हूँ कि अगला आने वाला टाइम में भी इसी तरह डायरी प्रिंट होते जाए, और ये डायरी में जितनी भी ऐड जितना बढ़ेगी उतनी फंड इनफ्लो एसोसिएशन में आएगा, और अच्छा अच्छा काम इससे किया जाता है। और मेरी शुभेच्छा ये रहेगी कि डायरी आपकी 365 दिन आप लोग बिजी रहो, आपकी इवेंट मिले, और आप इसके अंदर पूरा पैसा कमाओ प्लीज़। तो ये हमारी एसोसिएशन की तरफ से शुभेच्छा है। जब ये आया तब ये ऐसा लगा मेरे को कि मीठाई का बॉक्स बांटने वाले लोग, और मिठाई का बॉक्स एक दिन दो दिन में खाली हो जाता है, पर ये मिठाई 12 महीना चलने वाला है, तो 12 महीना अपने को स्वीट खाना है और रन करना है, और उसके लिए हनी बुक आपके साथ है, और 25 ईयर सिल्वर जुबली जो ईयर ये साल हम उजोने वाले, तो मैं एमपीओ को कहता हूँ कि पहला सिल्वर जुबली हनी बुक में आके सब मेंबर को इन्वाइट करिए, और उसके लिए हनी बुक आपके साथ है। और हनी बुक ने एमपीए मेंबर के लिए 15% डिस्काउंट का ऑफर रखा है ये साल के लिए। और मेरी तरफ से और मुंबई फोटोग्राफर एसोसिएशन की तरफ से आप सभी को, यानी मेरे फोटोग्राफर भाई बहनों को, दिवाली की खूब खूब शुभकामनाएं। और मैं एएमए न्यूज़ अतुल भाई जोशी और उनकी टीम को भी बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। अतुल भाई हमारे साथ सालों से साथ में हैं, और फोटोग्राफर की हर एक एक्टिविटी की न्यूज़ वो हम सबको देते हैं, और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन नए नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अतुल भाई हमें देते हैं, इसलिए अतुल भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर से एक बार आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। थैंक यू।